मुझे ना ऐसा कभी कभी लगता है कि आई एम अ बिग टाइम लूज़र और मैं मेरी सारी जिंदगी बस एक लूज़र बन के निकाल दूंगा। पार्थ, ऐसा नहीं कहते। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, क्या पता तुम्हें अपना जवाब मिल जाए। सरयू नदी के किनारे एक राज्य था, शिवनगर। उसका राजा महेंद्र सिंह एक बड़ा दयालु और कर्मशील राजा था और सदा अपने राज्य के भले और सुरक्षा के बारे में सोचता था। लेकिन उसमें एक कमी थी, वो अच्छा तीरंदाज नहीं था। उसे इस बात की चिंता थी कि अगर कभी शिवनगर पर शत्रुओं का हमला हो जाए तो वो उसकी सुरक्षा कैसे करेगा। महेंद्र अपनी उस कमी को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करता। वो हर दिन धनुष और तीर लेकर महल के सामने के पेड़ पर निशाना लगाता, पर उसके ज्यादातर तीर निशाने से चूक जाते थे। हर दिन लगातार वो ऐसे ही उस पेड़ पर निशाना लगाता, पर एक दो तीर ही निशाने पर लगते। इससे निराश तो होता था, मगर फिर भी उसने एक अच्छा तीरंदाज बनने की अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़ी। एक दिन राजा उसी पेड़ के नीचे अपने विद्वान मंत्री सूर्य कुमार के साथ बैठा था कि तभी उस पेड़ से रसीले और मीठे फल लिए कुछ पक्षी उतरे। उन्होंने राजा को ये फल भेंट किया, उसकी महानता और वीरता की खूब बड़ाई की और उसे प्रणाम कर वापस उड़ गए। राजा चौंक गए और जब उसने सूर्य कुमार से पक्षियों की इस तारीफ की वजह जाननी चाही तो मंत्री ने कहा, महाराज आपने सच्ची नीयत से मेहनत की और असफलता से कभी हार नहीं मानी। आप उन एक दो तीर जो निशाने पर थे उनसे संतुष्ट नहीं हुए और अपना काम करते रहे। आप उन तीरों के लिए दुखी थे जो निशाने पर नहीं लगे, मगर उन सभी तीरों ने इस पेड़ पर रहने वाले पक्षियों की कीड़ों और सांपों से रक्षा की जो उनको नुकसान पहुंचा सकते थे। आपके वो तीर जो निशाने पर नहीं लगे वो भी किसी ना किसी के काम आते रहे। भाग्य भी उन्हीं की सहायता करता है जो सफल ना होने के बाद भी सच्चे मन से कर्मशील रहते हैं, जो बिना हारे अच्छी नीयत से काम करते हैं। ऐसे राजा के खाली तीर भी दूसरों का भला कर जाते हैं। जरूरी है कर्मशील रहना और नेक नीयत रखना, समझे? हाँ नानी, मुश्किलें तो बहुत आएंगी, लोग मजाक भी बनाएंगे, लेकिन हमें हमेशा उसके लिए लड़ते रहना चाहिए जो सही है। गुड बॉय।